इस वक्त तकरीबन सुबह के 7 बज चुके हैं और सखर से पहले ये सर्विस एरिया है आजमपुर का। यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके थे फ्रेशन अप होने के लिए। वेलकम बैक टू चैनल। टाइम हो रहा है इस वक्त 8:04। बस सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, सामान भी गाड़ी में रख दिया है। थोड़ी ही देर में हम लोग घर से चल पड़ेंगे। सबसे पहले जाना है खुर्रम भाई के घर पे, क्योंकि थोड़ा सा काम है वहां पर, और उसके बाद सिंध यात्रा की तरफ स्टार्ट। कल यहाँ पे बारिश हुई थी तो जिसकी वजह से ठंड थोड़ी सी और बढ़ गई है। और कल तो बल्कि मैं अहमदाबाद गया हुआ था, वहाँ पे भी अच्छी खासी ठंड थी। दूर पहाड़ों पे तो खैर बर्फ थी वहाँ पे, तो यहाँ पे भी थोड़ी ठंड है, ठंडी हवा चल रही है। हे दुआ, हे दुआ, बाय बाय बाय। जब तक जिशान टायरों में थोड़ी सी हवा भरवा ले, तब तक थोड़ा सा खान पूरे के लिए कुछ ले लेते हैं। जी नहीं, ऐसा भी नहीं है, मजे का होता है। आवाज आई नीचे से खुल गई। सर टाइम हो रहा है तकरीबन 10 है 12 बजने में। घर से तकरीबन 8:30 हम लोग निकल चुके थे, मगर रास्ते में एक दो काम थे तो मोटरवे पर एंटर होते होते हमें तकरीबन रात के 10 बज चुके थे। तो अभी पहला स्टॉप जो है वो हमने किया है सालम इंटरचेंज के ऊपर। एक होटल में रुके हुए कड़क चाय पीने के लिए। यहाँ तक ड्राइव किया है जिशान ने, इससे आगे मैं ड्राइव करूँगा मुल्तान तक के लिए। चलो आज देख लेते हैं कि मैं कितना, असल में क्या है ना, भाई को ज़्यादा आदत नहीं है लंबे रूट पर ड्राइव करने के लिए। सालम इंटरचेंज तक जिशान लेके आया 14.9 के एवरेज पे। जिशान मैं इसको लेके जाऊंगा आगे तक, देखते हैं। शर्त लगी? चलो 2000। तो वो स्पीड भी वही रखनी है जो मैंने रखी है, 120 पे रहेगी। मैं तो एवरेज ऊपर जाएगी, 40 पे हैं। मैं तो 135-140 रखी हुई थी। सुन लिया मम्मी? ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। नाज़रीन थक गया, नींद आ गई। सिर्फ 87.4 किलोमीटर। ड्राइविंग वाली बात पे जज करने से पहले एक बात बता देता हूँ। मैं तकरीबन कल सुबह 7-8 उठा, एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार, फिर तीसरे बाज़ार, पासपोर्ट ऑफिस गया, 2 काम थे, निशान घर पे रेस्ट कर रहा था। और उसके बाद रात को 10 इस्लामाबाद इंटरचेंज जो था वहाँ से जब हमने एंटर किया, ये सफ़र स्टार्ट किया मोटरवे का, तो ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका था, सोया भी नहीं था तो मैं थक चुका था, तो इसलिए सिर्फ 80 ही उस वक्त मैं चला सका। सुबह के तकरीबन 9 बजने वाले हैं और फाइनली हम लोग सखर पहुंच चुके हैं। मोटरवे चूंकि सखर तक ख़त्म हो जाती है तो आगे जीटी रोड का रास्ता है। यूट्यूबर टिकटॉकर में बस बन रही है, साथ साथ वीडियो बस इंशाल्लाह, क्यों नहीं। आप इधर सखर के हो? अच्छा, लड़काना है। अब इसका बात है दादू जा रहे हैं। हाँ साथ साथ ये ना चाहिए, चलें ख्याल रखें अपना, खुश रहें। तो अच्छा लगता है ऐसा, कोई भी अगर लोग मिल जाते हैं कैमरा देख के वो थोड़ा सा मिलना पसंद करते हैं, तो वो कह रहे थे कि आप हमें व्लॉग में लेंगे, तो क्यों नहीं यार, क्यों नहीं आपको मैं व्लॉग में लूँगा, इंशाल्लाह ज़रूर लूँगा। और अच्छा लगता है मुझे जब इस तरह से लोग अच्छे तरीके से मिलते हैं, प्यार से मिलते हैं। तो सिंध की हॉस्पिटैलिटी यहाँ से शुरू होती है। अभी चाय पीने के लिए एक होटल भी रुके हैं। सिंध में एक सबसे जो मज़े की बात है अंदरून सिंध में, वो ये है कि आप किसी भी होटल पर रुक जाइए चाय के लिए, तो ऑलमोस्ट तकरीबन तमाम होटल्स में आपको चाय बहुत अच्छी मिलती है पीने के लिए। अब यहाँ से सखर से हम लोग जाएंगे, सबसे पहले जहाँ स्टे करेंगे वो हम अपनी नानी माँ के घर पे करेंगे जो कि दादू में है। और दादू यहाँ से तकरीबन अभी 2.5-3 का तकरीबन सफ़र है। वैसे एक बात है, यहाँ सखर में जो मौसम है ना वो काफ़ी बेहतर होना शुरू हो चुका है। अभी आजकल जो मैक्सिमम टेम्परेचर चल रहा है यहाँ पे वो चल रहा है 32-33,
और अगले हफ्ते से 38 तक चला जाएगा। तो जो पहला फ़ायदा यहाँ आके वो ये है, गर्म कपड़ों से जान छुटी। सक्कर से दादू जाते हुए जो सबसे मजे की सीनरी आती है रोड के साइड पे, वो ये खजूरों के दरख्त हैं। फाइनली हम लोग अभी मोरो पहुंच चुके हैं, और मोरो जो है वो दादू डिस्ट्रिक्ट का ही हिस्सा है। मोरो और दादू शहर में तकरीबन 15 मिनट का फासला है, और बीच में ये भी दरियाए सिंध आएगा। और दरियाए सिंध के इस ब्रिज को कहा जाता है मोरो दादू ब्रिज, और इसका इनॉग्रेशन 1982 में जनरल जियाउल हक साहब ने किया था। और इसके बारे में कहा जाता है कि दरियाए सिंध के ऊपर, मतलब जहाँ से दरियाए सिंध स्टार्ट होता है और यहाँ पर ख़त्म होता है, तो ये सबसे लंबा ब्रिज है। आई डोंट नो कि इसकी किलोमीटर में क्या लंबाई वगैरह है, बट कहा जाता है कि ये दरिया सिंध के ऊपर सबसे लंबा ब्रिज यहाँ दादू और मोरो के बीच में है।